भारत मीडिया। सिकंदरपुर में जमकर लड़ी लाठियां, सकुशल संपन्न हुआ लक्ष्मण अखाड़ा का जुलूस, चप्पे चप्पे पर आई भारी पुलिस बल की तैनाती, गंगा जमनी तहजीब, आपसी सौहार्द, भाईचारे के साथ निकाला महावीर लक्ष्मण अखाड़ा जुलूस। खबर जनपद बलिया के सिकंदरपुर से। यहां प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि को मनाए जाने वाले ऐतिहासिक महावीर झंडा उत्सव के तहत रविवार को नगर में लक्ष्मण अखाड़ा के दूसरी का जुलूस निकाला गया, जिसमें लाठियों से लैस सैकड़ों युवाओं, किशोरों व अन्य लोगों ने भाग लिया। तस्वीर में आप देख सकते हैं युवा भरपूर जोश खरोश के साथ जगह जगह लाठियां लड़ाते नजर आ रहे हैं। रविवार की देर रात्रि नगर के मोहल्ला मानापुर से भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लक्ष्मण अखाड़ा के अध्यक्ष गौर वर्मा के नेतृत्व में निकाला जुलूस मोहल्ला बड्ढा भिकपुरा रशीदिया चौक होते हुए मध्य रात में जलपा चौक पहुंचकर समाप्त हो गया। भ्रमण के दौरान जुलूस में शामिल युवाओं व किशोरों द्वारा रह रहे कर जय महावीर एवं जय श्री राम के नारों के उद्देश्यों से जहां नगर का वातावरण भक्तिमय हो गया था, वहीं उसे जगह जगह रोका गया, जहां उसमें शामिल अस्त्र कला व पारंगतों ने तरह तरह के करतब दिखाकर भीड़ का भरपूर मनोरंजन किया। जुलूस में राम अखाड़ा महावीर स्थान ने भी सहभागिता निभाई। उधर जनपा चौक में कुछ देर रुक कर विभिन्न अस्त्र कलाओं के प्रदर्शन के बाद समाप्त हुआ। जुलूस के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा जहाँ अति संवेदनशील रशीदिया चौक व मोहल्ला भीतपुरा चौक को पुलिस छावनी के रूप में तब्दील करने के साथ ही अन्य आवश्यक स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। वहीं उप जिलाधिकारी अरुण कुमार मिश्र, क्षेत्राधिकारी सिकंदरपुर भूषण वर्मा, सीओ पासदी शिव नारायण, सीओ सदर अशोक मिश्र, थाना प्रभारी सिकंदरपुर दिनेश पाठक, थाना अध्यक्ष खिचड़ी बिंदेश्वर मिश्र, थाना अध्यक्ष पकड़ी त्रिभुवन सिंह संजय सिंह तथा अन्य कई थानों के प्रभारी व चौकी प्रभारी सिकंदरपुर रविंद्र पटेल शुरू से अंत तक जुलूस के साथ लगे रहे। जुलूस में वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर उमेश चंद, राकेश सिंह, गणेश सोनी, जीतन पांडे, जयराम पांडे, बबलू मास्टर, दुर्गा दास, अशोक कुमार उर्फ डब्लू गुप्त, राजकुमार जायसवाल, जितेश कुमार वर्मा, राकेश यादव, सतीश वर्मा, गौरी शंकर वर्मा आदि प्रमुख लोग शामिल रहे। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए सिकंदरपुर से गौहर खान की रिपोर्ट।